बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकन अब्दू यकन सिन। तो गाइज़ पहली वीडियो में हमने देखा है साइड डिटर्मिनेशन। तो हमने ये कह लिया था कि ये लेफ्ट जो है ना साइड की हिप बोन है। तो अब लेफ्ट साइड की हिप बोन को मैं यूँ लेफ्ट हैंड में पकड़ रहा हूँ, ठीक है। आप सबसे पहले जो है ना इलियम, ये ऊपर वाला मैंने कहा था ये सारे का सारा इलियम होता है। एक आगे वाला जो है ना एंटीरो इन्फीरियरली, ये था प्यूबस होता है, और ये पोस्टीरो इन्फीरियरली इसकेम होता है। अब मैं सबसे पहले इलियम को डिस्कस करूँगा, इसके बोनी फीचर सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। अपर एंड जो होता है ना वो क्या एक्सपेंडेड एंड, ये वाला इसको हम कहते हैं इलिक क्रस्ट। ओके हो गया। अब ये जो अच्छा एक बात पहले याद रखना, ये जो होता है ना एसी टैबुलम जो कप शेप्ड, ये तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। टू फिफ्थ जो होता है ना इलियम बनाता है, और टू फिफ्थ जो होता है ना वो ईस्टियम बनाता है, और वन फिफ्थ जो होता है ना वो प्यूबस बनाता है। प्यूबस छोटा सा, वन फिफ्थ ये बनाएगा, बाकी ये भी टू फिफ्थ बनाएगा, ये भी टू फिफ्थ बनाएगा, ये बात आपने नहीं भूलनी। ओके हो गया। अब जो है ना ये इलिक्रेस्ट आ गया। इंटीरियर जो होता है ना वो इसके अच्छा तीन बॉर्डर होते हैं, ठीक है। इंटीरियर बॉर्डर, इलियम की बात कर रहा हूँ क्योंकि यूँ ये बैक वाला हिस्सा होगा ना, ये जो मेरी बैक साइड पे आ रहा है, तो ये इंटीरियर बॉर्डर, ये वाला सारे का सारा पोस्टीरियर बॉर्डर, और एक अब ये जो कर्व नज़र आ रही है ना ये वाला होगा मीडियल बॉर्डर, ठीक है। अब इसी की तीन बॉर्डर्स हैं और तीन सरफेस हमने अब करनी है। तीन सरफेस कौन सी हो गया, ये जो है ना बाहर वाली, यहाँ पे क्योंकि ग्लूटियल मसल लगती हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो ये सारे सारा ग्लूटियल मसल ग्लूटियल सरफेस हो गया, ठीक हो गया। अंदर ये जो है ना ये जो ग्रूव बन रहा है ये इलिक फोसा वाले है ना, तो ये इलिक सरफेस हो गया या इलिक फोसा हो गया। और ये जो है ना इररेगुलर सी ये जो आपको नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं सैक्रोपेल्विक सरफेस, क्योंकि यहाँ पे ना सैक्रम की जो है ना वो वर्टिब्रीज आके लगती है ना, ठीक है, सैक्रम और कॉक्स, ठीक है। तो इसी वजह से इसको सैक्रोपेल्विक, पेल्विस ये है और सैक्रम यहाँ पे लगता है, सैक्रोपेल्विक सरफेस हो गया। ओके ओके। अब सबसे पहले मैं इलिक्रेस्ट की बात करूँगा जल्दी से। ये जो होता है ना कन्वेक्स होता है, अपवर्ड हो गया, एंटीरो पोस्टीरियरली, एंटीरो पोस्टीरियरली कन्वेक्स हो गया, और पोस्टीरो इन्फीरियरली जो होता है ना वो कनकेव होता है। यही बात आपने बीडी के अंदर लिखी हुई है, आपने पढ़ लेनी है। कनकेव इनवर्ड इन फ्रंट हो गया एंड कन्वेक्स, ठीक हो गया, इन फ्रंट हो गया एंड कनकेव आउटवर्ड हो गया। ये देखो आउटवर्ड कन्वेक्स हो गया, अंदर वाली साइड से ये कनकेव आपको मिलेगा, ठीक है। अंदर वाली साइड से देखें जो कनकेव होगा, आउटसाइड से जब हम देखेंगे तो ये कन्वेक्स आपको लगेगा, बस यही है। और इसके अलावा जो है ना वो एक मेन बात याद रखनी है ना कि जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना वो इसका L3 और L4 होता है, यानी 34 से आप याद रख लेना। जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इलिक क्रेस्ट है ना ये वाला, ये L3 और L4 यानी लंबर वर्टिब्रीज तक ये जा रही है हिप बोन का, जो इलिक क्रेस्ट है ना ये इसका हाईएस्ट पॉइंट ये बनेगा, ये MCQs में आता होता है। अब उसके बाद जनाब इंटीरियर एंड की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इंटीरियर जो होता है ना बॉर्डर जिसके ऊपर होता है इंटीरियर, ये जो आपको नजर आ रहा है ना इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, ठीक है, छोटा सा ग्रूव हो गया, फिर ये वाला जो आ गया ना इंटीरियर इन्फीरियर इलिक स्पाइन हो गया। अब पोस्टीरियरली मैं आपको दिखा देता हूँ, पोस्टीरियरली जो होता है ना ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन हो गया, बिल्कुल नीचे जो है इसके पोस्टीरियर इन्फीरियर इलिक स्पाइन हो गया, ये छोटा सा एक ग्रूव है, इसके बाद ये पोस्टीरियर इन्फीरियर इलिक स्पाइन आ जाएगा। अब जो होता है ना इसकी इलिक क्रेस्ट की एक मैं बात बताना भूल गया, इसको हमने ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इलिक क्रेस्ट को। देखें इतनी बड़ी है ना, ये देखें यहाँ से कन्वेक्स नज़र आ रही है और यहाँ से हम देखें तो ये कनकेव हमें नज़र आ रही होगी, यही मैं बात पहले बता रहा था। इंटीरियरली कन्वेक्स और पीछे से हम देखें ना तो ये कनकेव आपको नज़र आ रही है ना, कनकेव अंदर की तरफ मुड़ी होती है, ठीक है, यही बात आपने। अब इसको ना हमने क्या है लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट, ये टू थर्ड जो है ना लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट, और शॉर्ट जो है ना डॉर्सल सेगमेंट, वन थर्ड जो है ना शॉर्ट डॉर्सल सेगमेंट, और आगे वाला जो है ना लॉन्ग जो है ना इंटीरियर वाला लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट शॉर्ट डॉर्सल सेगमेंट। अब जो जो लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट है इसकी पहले हम बात कर लेते हैं। लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट को ना तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, आउटर लिप, इंटरमीडिएट और मीडियल लिप हो गया, यानी इसको तीन जो है ना वो लिप्स के अंदर डिवाइड किया, यानी होंठ एक किस्म के आप कह लें, ये आपको ये नज़र आ रहे होंगे निशान, पता नहीं यार फोकस करना कर रहा हूँ, ये वाला आउटर लिप, इंटरमीडिएट और मीडियल लिप हो गया, ठीक है। इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से हम 5 सेंटीमीटर बिहाइंड जाए ना तो हमें एक ये ट्यूबरकल सा नज़र आ रहा है, पता नहीं आपको यार नज़र भी आ रहा है कि नहीं, ये ठीक है। इस ट्यूबरकल को हम कहते हैं इलिक ट्यूबरकल हो गया, और ठीक है। अब ये वेंट्रल्स टू थर्ड को हमने तीन पार्ट में, आउटर, इंटरमीडिएट और मीडियल, जबकि डार्सल जो वन थर्ड सेगमेंट है ना इसको हमने ना दो जो है ना वो प्रोमिनेंस में किया हुआ है, एक लेटरल और एक मीडियल, जो लेटरल साइड पे लेटरल लिप हो गया, मीडियल साइड पे मीडियल स्लोप या रिज आप कह लें वही होगा। अब इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियम ये वाला मैंने कहा था, पोस्टीरियर वाला ये कहा था, और मीडियल बॉर्डर जो है ना मैंने ये वाला कहा था। अब इंटीरियर बॉर्डर में क्या था, जो होता है ना वो स्टार्ट करते हैं इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से, रन डाउनवर्ड टू द एसी टैबुलम हो गया,
ये देख रहे हैं, इंटीरियर सुपीरियर एलिक स्पाइन से रन डाउनवर्ड टू द एसी टेबुलम, ये वाला सारे का सारा इंटीरियर बॉर्डर है, ये इंटीरियर साइड है ना इलियम की और ये पोस्टीरियर साइड है, तो इंटीरियर सुपीरियर एलिक स्पाइन से नीचे जा रहा है और ये एसी टेबुलम पे जाके ख़त्म हो रहा है, बस यही आपने बात बतानी है। और इसके अलावा जनाब होता है इसकी छोटी एक स्लोप है, इसके बाद एंटीरियर इन्फीरियर एलिक स्पाइन भी इसी के अंदर आ जाता है इंटीरियर बॉर्डर के अंदर। अब पोस्टीरियर बॉर्डर क्या होता है, पोस्टीरियर सुपीरियर एलिक स्पाइन से एक छोटा सा ग्रूव आता है, फिर नीचे जाता है पोस्टीरियर इन्फीरियर एलिक स्पाइन, और उसके बाद ये जो है ना ये वाला सारे का सारा ग्रेटर सियाटिक नॉच हो गया, ग्रेटर सियाटिक नॉच तक ये पोस्टीरियर बॉर्डर जा रहा है। अब जो मीडियल बॉर्डर है ना ये वाला, ये कहाँ क्या होगा, मीडियल बॉर्डर जो थे ना पेल्विक सरफेस ऑफ द इलियम से, ठीक हो गया, ये मैंने कहा था ना सैक्रो पेल्विक सरफेस है ये वाली, तो ये पेल्विक सरफेस ऑफ इलियम फ्रॉम इलिक क्रस्ट, इलिक क्रस्ट ये वाला है सैक्रो पेल्विक सरफेस, ये पेल्विक सरफेस ऑफ इलिक क्रस्ट से आता आता इलियो प्यूबिक एमिनस तक, ये देख रहे हैं ये यहाँ पे ये इलियम है, यहाँ पे प्यूबस है, तो इनके दरमियान ये जो एरिया ना इसे हम कहते हैं इलियो प्यूबिक एमिनस, तो ये मीडियल बॉर्डर ये वाला सारे का सारा, ये मैं जिसे ट्रेस कर रहा हूँ आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला बॉर्डर, ठीक है, ये वाले सारे का सारा मीडियल बॉर्डर हो गया। अब बैक साइड पे आ जाती है, हमने कहा था इसकी तीन सरफेस थी, इलियक सरफेस थी, ग्लूटियल सरफेस हो गया और सैक्रोपेल्विक हो गया। अब ग्लूटियल सरफेस की सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, आपको ये बहुत सी लाइनें नज़र आ रही होंगी, ये ग्लूटियल लाइन है सारी की सारी, तीन ग्लूटियल लाइन होती है, इंटीरियर ग्लूटियल लाइन, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन और इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है। अब मैं यूँ ही पकड़ता हूँ, पोस्टीरियर साइड ये वाली है, इंटीरियर साइड ये वाली है, ये वाली इंटीरियर साइड है और ये वाली पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। अब ये मैं लेटरल साइड से दिखा रहा हूँ आपको व्यू, तो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन जो होता है ना वो शॉर्टेस्ट होती है, ठीक है, ये वाली यहाँ पे ये आपको ये जो नज़र आ रही है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, ये 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पोस्टीरियर सुपीरियर एलिक स्पाइन, यहाँ पे पोस्टीरियर सुपीरियर एलिक स्पाइन इससे हम 5 सेंटीमीटर पीछे चलेंगे, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे एलिक क्रस्ट से हम लगाएंगे एक लाइन, तो कहाँ तक जाएगी जो है ना शॉर्टेस्ट होती है, ये एंड होती है पोस्टीरियर इन्फीरियर जो होते हैं ना स्पाइन, ये देखिए ना पोस्टीरियर सुपीरियर थी, ये पोस्टीरियर इन्फीरियर एलिक स्पाइन, यानी ग्रेटर सियाटिक नॉच के बिल्कुल ऊपर जो है ना पोस्टीरियर इन्फीरियर एलिक स्पाइन थी, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर हम एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर एलिक स्पाइन से 5 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे, वहाँ से इलिक क्रेस्ट से लाइन लगा के पोस्टीरियर इन्फीरियर एलिक स्पाइन जो ग्रेटर सियाटिक नॉच तक जा रही है, ठीक है। उसके बाद एंटीरियर ग्लूटियल लाइन जो होती है ना वो ये वाली शॉर्टेस्ट होती है, अब एंटीरियर ग्लूटियल लाइन आगे वाली साइड पर हो गई, ये लॉन्गेस्ट होती है, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन जो होती है ना वो 2.5 सेंटीमीटर एंटीरियर सुपीरियर एलिक स्पाइन, ये वाला एंटीरियर सुपीरियर एलिक स्पाइन इससे 2.5 सेंटीमीटर बिहाइंड चले, ठीक है, ये वाली लाइन इलिक क्रेस्ट से फिर यहाँ से आपने एक लाइन ड्रा करनी, ये वाली आपको नज़र आ रही होगी मैंने ड्रा की हुई है, तो ये वाली जो लाइन है ना ये एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है, ये डाउनवर्ड होती है अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर सियाटिक नॉच, ये ग्रेटर सियाटिक नॉच था सारे का सारा इसके अपर बॉर्डर पर जाके लग रही है, ठीक है। बेसिकली ये तीनों लाइनें ना ऑलमोस्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच के ऊपर ही आकर, अगर आपको समझ में आए तो ग्रेटर सियाटिक नॉच कहते हैं वो भी ठीक होगा। अब इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन जो है ना वो कहाँ से आएगी, इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन जो बेसिकली है ना वो लिटल होती है एंटीरियर इन्फीरियर एलिक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर ये था, एंटीरियर इन्फीरियर एलिक स्पाइन ये है, यहाँ से आपने एक लाइन ड्रा करनी है और कहाँ तक जानी है, बैकवर्ड जाना है, डाउनवर्ड जाना और ग्रेटर सियाटिक नॉच की एपेक्स तक आपने चले जाना, ये एपेक्स है ना इसका, तो ये ग्रेटर सियाटिक नॉच की एपेक्स था, ये देखें ये वाला इन्फीरियर एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन आपको नज़र आ रही होंगी, होप सो, बिल्कुल इजी से कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम इलिक फोसा अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।